अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान के हौसले बुलंद हैं, लेकिन हजारों तालिबान लड़ाकों में से एक काबुल में मौजूद 22 साल के एजानुल्ला ने ऐसा नजारा इससे पहले कभी नहीं देखा था। काबुल में पक्की सड़कें और ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट बन गए हैं। ऊंची ऊंची इमारतों में शीशे के दफ्तर और शॉपिंग मॉल्स इस लड़ाके को हैरत में डाल रहे हैं। गृह मंत्रालय के अंदर मौजूद उम्दा फर्नीचर के बारे में उसने कहा कि वो ऐसा था जैसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एजानुल्ला ने कहा कि वो अपने कमांडर से पूछेगा कि क्या उसे यहाँ रहने की इजाजत मिलेगी। अब वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और दूसरे शहर अब वैसे नहीं है जैसे 20 साल पहले के तालिबान शासन में हुआ करते थे। तालिबान के लड़ाके आमतौर पर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान की एक पूरी पीढ़ी आधुनिकता और पश्चिमी विकास के रंग में रंगी हुई है। बहुत से लोगों को डर है कि इतने सालों में जो हासिल किया है वो तालिबान के वापस आने के बाद कहीं फिर से ना खो जाए। जब दो महिलाओं ने एजानुल्लाह को सड़क पर हेलो कहा तो उसे लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। उसने कहा, महिलाएं बोली कि वो हमसे डरती थीं और सोचती थीं कि हम डरावने हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी बहनों की तरह हो और हम तुम्हें स्कूल जाने देंगे, शिक्षा लेने देंगे और सुरक्षा देंगे, बस तुम अपने हिजाब का ध्यान रखो। तालिबान सचमुच बदल गया है या नहीं ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन ये वो देश नहीं है जिस पर तालिबान ने गृह युद्ध के 4 साल बाद 1996 में कब्जा किया था। सोवियत सेना की वापसी और 1992 में कम्युनिस्ट समर्थक सरकार के जाने के बाद अफगानिस्तान को गृह युद्ध झेलना पड़ा था, जिसके बाद साल 2001 तक तालिबान का शासन रहा था। उस जमाने में यहाँ के शहर खंडहर की शक्ल में हुआ करते थे, जिस पर स्थानीय तालिबान लड़ाके शासन करते थे। ज्यादातर अफगान टूटी फूटी सड़कों, साइकिल या पीली टैक्सी में चला करते थे। पूरे देश में उस समय सिर्फ एक कंप्यूटर था जो तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के पास हुआ करता था। मजे की बात यह थी कि उसे कंप्यूटर चालू करना तक नहीं आता था। साल 2001 में तालिबान का शासन खत्म होने और इस साल फिर से बहाल होने के बीच अफगानिस्तान में काफी बदलाव आ चुका है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।